नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया के ज्योतिष संस्थान टीम में आपका स्वागत है। आज से हमने कुछ समय पहले ज्योतिष संस्थान के द्वारा कुछ हमने वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी लगी। उसमें हमने कुछ नामों से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई थी। उन नामों के बारे में हमने बहुत सारी ऐसी जानकारी पाई थी जो कि एक विचलित थी। हमने कुछ नामों के ऊपर वीडियो बनाई थी जिनमें से अभिषेक, अजय, संजय, मनीष, प्रिया, राजेश और भी नाम थे जिनके ऊपर हमने कुछ यूनिक वीडियो बनाई थी। उन वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट भी किया। कमेंट ज़्यादातर हमारे पास में अच्छे आए हैं। हमारे पास में काफ़ी कॉल भी आई हैं जो कि हमको बोला गया कि आप भी ऐसे नामों पर और भी वीडियो बनाएं जो कि देश में और भी प्रचलित हैं। कुछ ऐसे यूनिक नामों पर आप वीडियो बनाएं जो कि लोगों के बारे में जानकारी हो, उनके बारे में सटीक जानकारी हो और उनको आगे भविष्य में अपने फैसले या डिसीजन लेने में उनको आसानी हो। आज हम ऐसे नामों पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे पास में बहुत सारे नाम हैं लेकिन आज हम एक नाम के ऊपर ही आज वीडियो बनाएंगे। आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ। हमारे पास में अक्सर कॉल आती रहती है कि हमको गुरुजी से कुछ पूछना है, हमको गुरुजी से बात करनी है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर कॉल करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको पूछना क्या है। आप अपना प्रश्न जरूर लें। आप नॉर्मली अगर बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं जिससे कि आप अपना समय या हमारा समय ना व्यर्थ करें, अगर आपके कोई ऐसा प्रश्न है या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा है या जिसका आंसर आपको बहुत मुश्किल से मिल सकता है, आप उसी प्रश्न के लिए आप कॉल करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको 100% उसका सॉल्यूशन बता सकें या उसके बारे में जानकारी आपको दे सकें। अगर आप यहाँ पे एक आप यूनिक मतलब एक डिफरेंट चीज़ आप पा रहे हैं नामों से रिलेटेड आप जानकारी, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का ही आंसर प्राप्त करें जो आपको अक्सर जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि हम गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे, आप हमारे लिए यह काम कर दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत है या आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो परेशानी है उसको हम कम से कम चार्जेस में या आपसे हम पैसा नहीं लेंगे उसको हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आप हमें कोई भारी रकम दे के अगर आप हमें गलत काम करवाने के लिए बोलेंगे तो उससे आपका समय और हमारा समय दोनों का व्यर्थ होगा। तो आइए हम दोस्तों सबसे पहले हम अपनी वीडियो के बारे में नाम जान लेते हैं कि आज हम किस नाम पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम जो नाम लेंगे हम लेंगे राजू। इसके बाद में हम और भी नाम लेंगे, हम अंकित, राहुल और मोनू, कई नाम हैं, रमेश, कई नाम है सुरेंद्र, उन नामों पर भी हम वीडियो बनाएंगे। हम कुछ लड़कियों के नाम पर भी वीडियो बनाएंगे, नेहा, काजल, कई नाम हैं जिन पर हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजू नाम के जो लोग होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है। राजू नाम का नॉर्मली अगर सब शब्दों में निकालें तो राजू नाम का एक अलग ही प्रमाण आता है, राजा। मतलब राजू का मतलब होता है एक राजा। राजू वो वाला राजू नहीं, पिक्चर वाला नौकर वाला राजू। हम व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं, हम जो आज के सोसाइटी में हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। राजू नाम की जो मीनिंग होती है उसका एक मीनिंग होता है राजा। मतलब राजा इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ में जो अपनी लाइफ को जीते हैं वो एक राजा तरीके से जीते हैं। अगर उनकी जेब में अगर थोड़ा सा ही पैसा पड़ा हो, 10 रुपये भी पड़ा हो, लेकिन वो इस तरह से अपने आप को शो कराते हैं या इस तरह से वो रहते हैं कि कोई भी इंसान उनको कह नहीं सकता कि इनकी जेब में 10 रुपये पड़े हैं, बल्कि उनको ऐसा लगेगा कि इनकी जेब में 1000 या 500 रुपये या 100 रुपये पड़े हुए हैं। मतलब वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीते हैं। आइए अब उनकी हम पूरी जिनका जानकारी प्राप्त करते हैं। इस जानकारी में आज की हम वीडियो में उनकी स्टडी, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी स्टडी कैसी रहेगी, उनका प्रेजेंट कैसा है, अभी फ़िलहाल में जो उनका यूथ टाइम है प्रेजेंट का वो कैसा रहेगा, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा और उनकी लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज होती है, वो प्यार करते हैं या अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करेंगे, उनके फ्रेंड्स कैसे होंगे, उनको फैमिली सपोर्ट कितना मिलेगा और मैरिज के बाद में कितना सपोर्ट मिलता है, उनका फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी, हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस जानकारी में आपको मैं जो बताऊंगा, अगर आपको इस जानकारी में
कोई भी बात अगर कहीं भी 1% भी आपको गलत लगती हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको पूरा ट्राई करूँगा कि हमारी जो टीम है हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आगे अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको 1% भी कोई गलत जानकारी हम ना दें। लेकिन हम जो आपको जो जानकारी दे रहे हैं, हम नाम से रिलेटेड जानकारी दे रहे हैं, ना कि किसी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम एक आपको एक नॉर्मली जानकारी देंगे किसी के नेचर के बारे में, ना ही हम उसके बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, क्योंकि उसके जानने के लिए उसके हाथ की रेखाएँ, मतलब हस्तरेखा, जन्म कुंडली और भी ज्योतिष शास्त्र में नियम हैं, उनके द्वारा भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उनका पास्ट, मतलब बचपन का समय। राजू नाम के जो बचपन का जो उनका समय रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, उनको फैमिली का सपोर्ट मिला रहता है और बचपन जैसे सभी का बीतता है उस तरह से उनका भी बचपन बीतता है। और उनको ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत या उनको ऐसी कोई परेशानी या उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि बचपन का जो उनको समय रहता है काफ़ी बेटर रहता है जवानी के अकॉर्डिंग। जवानी में जितना उनका समय होता है वो उतना बेटर नहीं होता है, लेकिन जो बचपन का समय होता है उनका काफ़ी अच्छा होता है। उनकी स्टडी के बारे में बात करें, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, राजू नाम के जो इंसान होते हैं उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो नॉर्मल लेवल की होती है। नॉर्मल लेवल का मतलब है कि वो 12th या फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी लाइन से। लेकिन उनके एक चीज़ देखी गई है कि जब वो किसी के सामने बैठते हैं या किसी को शो कराते हैं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये आदमी इतना ही पढ़ा लिखा होगा। वो हर किसी व्यक्ति को ऐसा शो कराएंगे कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो अपनी जानकारी भी इस तरह की देते हैं कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये भाई पढ़ा लिखा इंसान है या इसको नॉलेज अच्छी है। और उनसे अगर बात करते हैं, राजू नाम के अगर व्यक्ति से अगर आप बात करते हैं तो उनसे बात करते समय काफ़ी आपको अच्छा महसूस होगा। वो काफ़ी नॉलेजबल आपको बातें बताएंगे, आपको बहुत ही सटीक और ना कि कोई फालतू बातें करेंगे, आपकी जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उन्हीं बातों पर बात करेंगे और बहुत ही आपसे एक रात में नॉलेजबल बात करेंगे। आपको बात करते समय काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं किसी एक अच्छे इंसान के पास में बैठा हूँ जिसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। राजू नाम के अगर हम उनकी स्टडी की बात में उनके अगर हमने प्रेजेंट लाइफ की बात करें, अगर यूथ टाइम की बात करें, तो उनका जो यूथ टाइम होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। कई बार तो उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली अगेंस्ट हो जाती है, और कई बार वो कई रास्ते बदलते रहते हैं, कई काम बदलते रहते हैं। स्ट्रगल उनकी लाइफ में बहुत होता है, यूथ टाइम में बहुत स्ट्रगल होता है, कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ जाता है। और जो यूथ टाइम में देखा गया है कि राजू नाम के जो होते हैं वो खास अमीर नहीं बन पाते हैं, मतलब उनकी जो रोजी रोटी चल रही होती है उस समय तक इस तरह की उनकी एक लाइफ चल रही होती है। लेकिन आगे जाके वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म पा लेते हैं, एक अच्छी कामयाबी पा लेते हैं। उसका मैं रीज़न बताऊँगा कि वो कैसे अपनी प्लेटफॉर्म या अपनी कामयाबी किस तरह से पा सकते हैं या पा लेते हैं। उसके बाद में पास्ट के बाद में हम बात करते हैं उनका पेरेंट सपोर्ट। पेरेंट सपोर्ट उनको जो यूथ टाइम में मैंने जैसा बताया था कि पेरेंट सपोर्ट उनको थोड़ा कम मिला होता है कभी कभी। एक्चुअली क्या होता है कि जो राजू नाम के जो यूथ सपोर्ट होते हैं, जो यूथ होता है उनका, वो थोड़ा बहुत ना पेरेंट्स के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। मतलब मैं जो राजू नाम के देख रहे हैं वो बुरा ना माने, लेकिन हमने जितना देखा है कि अगर उनकी फैमिली में अगर किसी की तबीयत भी ख़राब है या कोई पर्सन बीमार है या कोई भी दिक्कत उनको आ रही है तो पहले अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा आलस कर जाएंगे, वो उनको सपोर्ट खुद नहीं सपोर्ट करते पेरेंट्स को, तो उसमें उनको उस तरह से उनको भी बैक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जो उनकी 20 से और 28 तक की जो एज होती है इसमें हमने ज़्यादातर ये देखा है कि वो पेरेंट्स को वो भी सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे उनको भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और सेकेंड चीज़ बात करें कि उनकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में। अगर राजू नाम का देखा गया है तो उनको लव मैरिज या अरेंज मैरिज में उनको इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता है, इतना उनको ज़्यादा लव वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि मुझे प्यार करना है या मुझे लड़की मतलब गर्लफ्रेंड बनानी है या ये करना है, उनको इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, अगर जैसे आज का समय जो समय है, अगर राजू नाम की अगर कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाती है तो उसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, अपने कैरियर को या अपनी लाइफ को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। लेकिन उनका जो ज़्यादातर फोकस जो रहता है वो मैरिज की तरफ होता है, और सॉरी अरेंज मैरिज की तरफ होता है। और राजू नाम की जो देखी गई है कि उनकी ज़्यादातर जो मैरिज होती है 98% वो उनकी अरेंज मैरिज होती है। वो लव कर भी लेते हैं लेकिन उनकी अरेंज मैरिज होती है, उनकी जो शादी होती है उनके परिवार के अकॉर्डिंग होती है। अगर लड़की भी अगर परिवार को पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो उससे भी शादी कर देते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में एक चीज़ और देखी गई है कि शादी से पहले की लाइफ और उनके शादी के बाद की लाइफ
उनकी बहुत चेंज हो जाती है, बहुत अलग हो जाती है। कई तरह के उनको कई तरह का उनको सपोर्ट तो मिला ही होता है शादी के बाद में, फैमिली का, ससुराल का उनको सपोर्ट मिला होता है, लेकिन उनकी जो वाइफ होती है उसको भी थोड़ी बहुत बीमारी स्टार्ट हो जाती है शादी के बाद में। मतलब ये बीमारी करीबन शादी के 2 साल तक करीबन लगी रहती है। जब उनकी राजू नाम की सब शादी होती है तो मतलब 2 साल तक वाइफ जो होती है उसको थोड़ी बहुत बीमारी किसी न किसी तरीके से लगी रहती है, जिससे वो थोड़ा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, लेकिन आगे जाके ये ठीक हो जाता है और आगे जाके कंडीशन ठीक हो जाती है। उसके बाद में हम उनके नेचर के बाद में बात करते हैं, राजू नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। राजू नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनका नेचर होता है बहुत ही गुड होता है, अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप उनसे बात करते हैं, आपको बात करते समय काफ़ी अच्छा लगेगा, आपसे काफ़ी नॉलेजेबल बात करेंगे, और अगर आप उनसे कुछ सपोर्ट लेते हो तो वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपके लिए इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर सपोज आप अगर उनको अगर आप उनका कॉन्टैक्ट है, अगर आप उन्हें बोलते हो कि भैया आप मेरे लिए कोई काम कर दीजिए जो कि 100 किलोमीटर आगे है या 150 किलोमीटर आगे है, तो वो वहाँ तक भी काम कर लेंगे। अगर उनके पास टाइम होगा तो वो इतना दूर भी चले जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। और उनके नेचर के बारे में बात करें तो नेचर उनका काफ़ी फ्रेंकली होता है, काफ़ी ना अगर वो बच्चे के साथ में बैठे हैं तो वो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन यूथ के साथ में बैठे हो तो उस तरह की बात करेंगे, और अगर वो बड़े आदमियों के बीच में बैठे हैं तो उस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर उनके बीच में अगर आप समाज में बैठते हैं, अगर आप राजू नाम के व्यक्ति को देखते होंगे तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो ऐसी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं जो कि बड़े बड़े लोग नहीं कह पाते हैं, मतलब ऐसे शब्दों पर बोल जाते हैं जो कि बड़े बड़े लोग, मतलब कि जो उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं, जो काफ़ी समझदार होते हैं, वो उन बातों को नहीं कह पाते हैं, लेकिन राजू नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो उन बातों को बहुत ईजिली तरीके से बोल जाते हैं, और अपनी बातों को इस तरह से बोलते हैं कि लोग उनकी बातों को समझते हैं और मानते भी हैं। और उनके नेचर की बात करें तो उनका नेचर काफ़ी सपोर्टेबल होता है, लेकिन उनमें एक चीज़ ख़राबी देखी गई है कि वो ज़्यादातर मतलबी होते हैं। मैं बुरा ना मानिएगा, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि वो थोड़े से मतलबी होते हैं, मतलबी कि जैसे अगर उन्हें मतलब होगा आपसे तो आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब आपसे मतलब रखेंगे। अगर मतलब नहीं होगा, अगर उन्हें आपसे 1% भी कोई फ़ायदा नहीं है तो आपसे बिल्कुल मतलब नहीं रखेंगे। आपका कॉन्टैक्ट फ़ोन में रखेंगे, सेव है, लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं है उन्हें। ये चीज़ उनके अंदर थोड़ी सी ख़राब हमने आदत पाई है। सेकंड बात कर लेते हैं उनकी जॉब या बिजनेस रिलेटेड। जॉब या बिजनेस रिलेटेड बात करें तो राजू नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो जॉब या बिजनेस दोनों चीज़ करते हैं। यूथ टाइम में जॉब करते हैं, मतलब जो उनके जवानी टाइम होता है वो जॉब करते हैं, और उन्हें बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वो जॉब पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। उन्हें जो जॉब मिली होती है स्टार्टिंग में, वो जॉब उन्हें बहुत छोटे लेवल से मिली होती है। छोटे लेवल की मतलब कि आप किसी भी छोटे लेवल की बात कर लें, उन्हें कोई खास जो स्टार्टिंग में जो जॉब मिलती है वो इन्हें कोई बड़े लेवल की जॉब नहीं मिलती है, स्टार्टिंग में उन्हें छोटे लेवल की जॉब मिलती है। उसके बाद में अपना वो कैरियर बनाते जाते हैं, फिर उनकी जॉब भी अपडेट होती जाती है, और आगे जाके वो एक बिजनेस भी करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में वो अगर 40 के अबव चले जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जैसे आदमी आज के टाइम में वैसे भी 40 के अबव बिजनेस करता है, लेकिन राजू नाम के जो हमने देखे हैं वो 40 के अबव या 35 के अबव चले जाते हैं तो वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और कोई अपना बिजनेस भी बनाते हैं तो बहुत ही बड़े लेवल पे बनाते हैं। उनका अगर बिजनेस या जॉब करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और वो बड़े लेवल पे करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा जाए, नेटवर्किंग उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब उनकी बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। मैरिज लाइफ के बारे में बताया कि उनकी जो वाइफ होती है, वाइफ जो उनकी होती है, जिस तरह से राजू नाम के जो व्यक्ति होते हैं, बुरा ना मानिएगा, राजू नाम के जो व्यक्ति देख रहे हैं, जिस तरह से वो होते हैं, मतलब उनकी जो स्टाइल होती है या उनकी पर्सनैलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी वाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब सुंदर होती है, देखने में अच्छी लगती है और काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। और उनकी जो मैरिज लाइफ होती है, स्टार्टिंग में जैसे बताया कि थोड़ा बहुत बीमारी के टाइम गुजरता है, लेकिन आगे जाके अच्छा हो जाता है, और मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। हर वाइफ की तरह उनको भी काफ़ी वाइफ सपोर्ट करती है, और ससुराल वगैरह की तरफ से भी उनको काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिला रहता है। उनके अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग उनके राजू नाम के जो व्यक्ति की जो फ्यूचर प्लानिंग रहती है, ऐसी कोई खास नहीं रहती है। वो अपने बीवी बच्चों के लिए कोई, जैसे एक नॉर्मल इंसान, मैं आपको बता दूँ, एक अगर बिजनेसमैन कोई होता है तो एक फ्यूचर प्लानिंग करता है कि वो सोचता है कि अगर मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ तो
तो मेरे बच्चों के लिए या उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन या मैं बहुत ज़्यादा सोना चांदी या बहुत सारी चीज़ मैं छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन उनके भी उनके राजू नाम के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें लगता है कि मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ, नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 10 रुपये मैं खा लेता हूँ, 90 रुपये मैं सेविंग करूँ अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। और लेकिन राजू नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो 100 रुपये कमा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं मैं 50 रुपये मैं खर्च कर लेता हूँ, 50 रुपये अपनी फैमिली के लिए रखता हूँ, थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग भविष्य के लिए कम सोचते हैं, प्रेजेंट लाइफ में इंजॉय करने में या प्रेजेंट लाइफ को जीने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर उनका फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी फैमिली का सपोर्ट मिला रहता है, हर तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है, और उनके अगर फ्यूचर की बात करें उनका जो भविष्य रहता है बुढ़ापे का टाइम, तो उस समय उनको एक सही लाइफ मिली होती है राजू ना, और उनको जो उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग जिस तरह से की होती है, लेकिन उनको एक अच्छा काम कर लेते हैं यू टाइम में कि वो एक कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग मतलब कि उनका एक ऐसा नहीं रहता है कि मेरे को ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर देना है फैमिली के लिए, लेकिन एक उनका अच्छा रहता है कि वो अपने लिए बहुत अच्छा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब फैमिली के लिए भी करते हैं लेकिन अपने लिए भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, अगर उन्हें फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो अपना भी लाइफ को वो आराम से जी सकते हैं अकेले भी। तो आज हमने बहुत सारी बातें राजू नाम के बारे में जानी हैं, उनकी प्लानिंग से रिलेटेड, उनके नेचर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये हमने बहुत सारी बातें राजू नाम की वीडियो के बारे में जानी हैं। हमने उससे पहले भी कुछ वीडियो बनाई थी, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे गुरुजी के माध्यम से या हमारी ज्योतिष संस्थान के टीम के माध्यम से अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, आप हमें कॉल ना कीजिएगा, पहले आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपका कोई ज़्यादा प्रश्न अच्छा जमला, आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उसका आंसर कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे पूछिएगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, वो आपको अपना ज़रूर कंप्लीट करना होता है। अगर आपको जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको राजू नाम के व्यक्ति को अगर कहीं भी कोई गलत बात लगी हो या मेरी बात कहीं भी आपको सही नहीं लगी हो, तो आप मुझे क्षमा करिए। और अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी यूनिक आइडिया या यूनिक वीडियो आपके सामने लाता रहूँ, और कोई भी आपको कोई गलती या कोई बात हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। नमस्कार।